लखनपत ललितपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे यहां के नागरिकों में भय का माहौल है। हाल ही में एक और मरीज को डेंगू की बीमारी की पुष्टि होने पर उसे जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताते चले कि इसके पहले भी डेंगू के कई अन्य मरीजों की पुष्टि होने के बाद सभी का इलाज जनपद से बाहर किया गया। उत्तर प्रदेश में यातायात माह का शुभारंभ 1 नवंबर को हर वर्ष किया जाता है, इसलिए 1 नवंबर से ही मेरठ में भी यातायात माह शुरू हो रहा है। इस मौके पर पुलिस लाइन में एडीजी मेरठ जोन प्रशांत कुमार द्वारा यातायात माह का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर आईजी रेंज और एसएसपी सहित यातायात एसपी मौजूद रहे। यातायात माह की शुरुआत आज यहां फॉर्मली किया जा रहा है। वैसे जागरूकता लगातार लोगों में फैलाई जा रही है, विशेषकर जो हमारे वल्नरेबल क्लास है, जैसे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको बराबर, चूँकि वही भावी पीढ़ी है हमारी जो आगे चल के पूरे हमारे जो राज्य है, देश है, उनको आगे बढ़ाएगा, तो छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और साथ साथ जो हमारे हॉट स्पॉट्स हैं, जहां दुर्घटनाएं ज़्यादा हुई हैं, वैसे जब से ये इन्हांस पनिशमेंट वाली बात हुई है, मेरठ में लगभग 35% कमी आई है दुर्घटनाओं में, और पूरे उत्तर प्रदेश में भी कमी आई है। तो ऐसे ब्लैक स्पॉट्स हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। जिला पाली मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर सिवास कस्बा है। इस गांव में ज्यादातर प्रवासी रहते हैं। सभी आर्थिक रूप से काफी उन्नत है, लेकिन इसके बाद भी इनके घरों की तरफ नजर डालेंगे तो कुछ अजीब ही लगेगा, क्योंकि इस गांव में 2 मंजिला मकान नहीं बनाते। बताया जाता है कि भारत में मंदिरों के मुख्य द्वार पर कभी झरोखा नहीं बनाया जाता, लेकिन उस समय क्या परिस्थिति रही कि यहाँ मंदिर के मुख्य द्वार पर झरोखा बन गया। गांव में महाकाली का मंदिर है, वर्षों पुराना है, और यहाँ परंपरा चली आती है दशहरे के लिए, और विधि विधान से यहाँ दशहरे के आयोजन किया जाता है। 9 दिन के लिए पूरा गांव सैल पहल होती है, और माँ काली के दर्शन के लिए गांव के 36 कौम के लोग यहाँ पर आते हैं, जाते हैं, देवी के भजन कीर्तन होते हैं। और बाकी यहाँ की गांव की विशेषता यह है कि माता जी के मंदिर के ऊपर जो माल्या बना हुआ है, तो 36 कौम के गांव में किसी के ऊपर ये 2 मंजिला इमारत नहीं होती है। ये माँ काली का पूरा यहाँ पहले से ये वरदान है। विश्वास के अंदर माँ काली का मंदिर 250 साल पुराना, और हमारे माता जी मंदिर का एक इतिहास है कि गांव के अंदर बहु मंजिला मकान नहीं बनता, जो आगे की तरफ, जो पीछे की तरफ से आप जो 3 मंजिल बना सकते हो या 4 मंजिल, लेकिन ये हमारे माता जी मंदिर के ऊपर झरोखा बना हुआ, इसी कारण माता जी का वरदान है। और हमारे यहाँ ये मतलब नहीं चलता, सदियों से चलता आ रहा है, और जो भी बना लेता तो उसको माता जी हाथों हाथ मतलब प्रसाद देते हैं। और ग्राम ललितपुर में यातायात माह नवंबर 2019 का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार मिश्र अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा फीता काट कर किया गया। इस मौके पर बड़ी मात्रा में आम नागरिकों के साथ पत्रकार बंधु भी मौजूद रहे। यातायात महाशुभारंभ पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार आम नागरिकों के समक्ष रखे, उन्हें सुझाव दिए एवं पुलिस के आला अधिकारियों को चेकिंग के दौरान होने वाली परेशानियों से भी अवगत कराया। वक्ताओं का नींद, नशा और तेज रफ्तार न करने पर बल दिया गया, जिससे आप सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। बाइट आरटीओ सुनील कुमार गुप्ता, बाइट एसपी कैप्टन एम। और जैसा हम लोग सब अवगत है कि अपनी सुरक्षा का जिम्मा हम लोग को स्वयं लेना चाहिए, हम लोग जागरूक कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर इस बात की शिक्षा की कमी है कि आखिर हेलमेट हम पहनने के लिए क्यों कह रहे हैं। हेलमेट पहनने से उसकी सुरक्षा तो होती है, वो जिस परिवार का मुखिया है, जिस परिवार का अंग है, अगर भगवान ना करे कोई ऐसी बात, उस यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए, और इसका सुनिश्चित होना तभी संभव होगा जबकि प्रशासन पुलिस के साथ साथ जनता का सहयोग हो। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप लोग अगर इसमें सहयोग प्रदान करेंगे
तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम अपनी सफलता को प्राप्त करेगा। परिवहन विभाग की ओर से भी पिछले महीने में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन हुआ था और इस माह में भी 11 से 17 तारीख तक परिवहन विभाग की ओर से भी सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि यातायात पुलिस का, परिवहन विभाग का। उत्तर प्रदेश में गढ़ मुक्तेश्वर तहसील में एंटी करप्शन की टीम ने छापे मार कर तहसील में तैनात रजिस्ट्रार कानूनगो को रंगे हाथों उस समय गिरफ्तार कर लिया जब किसान से 12,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। किसान द्वारा एंटी करप्शन में शिकायत कर रजिस्ट्रार को रंगे हाथों गिरफ्तार करा दिया गया। आपको बता दें कि थाना सिंभावली क्षेत्र के गाँव अनूपपुर डिवाइस का रहने वाला किसान भारत अपनी खेती की 3 बीघे जमीन को अपने बेटे लक्ष्य के नाम कराने के लिए तहसील के चक्कर काट रहा था, जिसको लेकर तहसील में कार्य कानूनगो सीताराम ने किसान से 12,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद शुक्रवार को किसान ने कानूनगो सीताराम को 12,000 रुपए की रिश्वत दी। कानून को रिश्वत लेनी इतनी महंगी कानूनगो आएगा यहाँ पे रिपीट कानूनगो को रिश्वत लेनी इतनी महंगी पड़ गई कि रिश्वत लेते ही मेरठ से आई एंटी करप्शन की टीम ने कानूनगो को रिश्वत के पैसे सहित मौके से गिरफ्तार कर लिया। यूपी के थाना आहार क्षेत्र के गांव दुलखेड़ा में ठाकुर समाज ने आरोपी गिरफ्तारी ना होने पर धर्म परिवर्तन का ऐलान कर दिया था, जिसकी खबर सीएमएन न्यूज चैनल ने प्रमुखता से दिखाई थी। इस खबर का बड़ा असर हुआ। मामले को डीएम रविंद्र कुमार व एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने गंभीरता से लेते हुए पूरे अमले के साथ दुलखेड़ा गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और घटना की जानकारी ली और पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि आरोपियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। डीएम ने राशन डीलर की दुकान के सत्यापन करने के आदेश दिए हैं। पहले एक घटना घटी थी जिसमें राशन डीलर ने गांव के कुछ लोगों को मारपीट किया, क्या मामला, किस प्रकार की कार्रवाई? देख लिया, आप लोग सब अभी उपस्थित हैं, मैं जिलाधिकारी और कप्तान साहब समस्त राजस्व और पुलिस प्रशासन है, गांव में आया, लोगों का सुना। इसमें पहले ही मुकदमा दर्ज की जा चुकी है, 2 लोग अरेस्ट भी हो गए हैं। अभी ग्रामीणों ने बताया कि कोटे का सामान नहीं दिया जाता है, तो अभी सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, SDM हैं, कोटे का सत्यापन करेंगे, लोगों से बयान लेंगे और जैसा जांच चल रहा है जांच के अनुसार नियमानुसार सख्त। सर, सोशल मीडिया पे एक मैसेज भी इन्होंने वायरल करा था, जो नया नया मिला तो हम धर्म परिवर्तन करेंगे। अब वायरल क्या हुआ है उसके सत्यापन की जांच करके ही कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है। गांव दुलखरा में जहाँ जाति संघर्ष में 5 लोग घायल हुए थे, जिसकी खबर सीएमएन न्यूज ने बड़ी पुख्ता से चलाई थी, उसका आज बड़ा असर देखने को मिला है। आज कप्तान, SSP, DM, SDM, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, घायलों से, उनकी परिजनों से मिले हैं, उनकी जानकारी लिए और सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कैमरामैन अजित कुमार के साथ सुल्तान अंसारी, CMN न्यूज, जहांगीराबाद, बुलंदशहर। यूपी के जहांगीराबाद में बुलंदशहर बस स्टैंड के निकट वर्षों से बंद पड़ी देहली गेट पुलिस चौकी नगरवासियों की मांग पर डीएम रविंद्र कुमार व एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने पुलिस चौकी का फीता काटकर शिलापट से पर्दा हटाकर उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि डीएम व एसएसपी ने कहा कि इस चौकी से जनता को राहत मिलेगी और अपराधी व चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। सी अतुल चौबे ने इस चौकी पर नवीन भाटी को प्रभारी नियुक्त किया है। ये दिल्ली गेट की चौकी का आज शुभारंभ कर रहा है, कितनी फोर्स तैनात रहेगी? बहुत दिनों से ये बंद थी, आज जो है पुलिस अधीक्षक महोदय ने दिल्ली गेट चौकी का जो है फिर से शुभारंभ किया और यहाँ ऑफिसर और इंचार्ज को पोस्ट किया है, 4 कांस्टेबल पोस्ट किए हैं और आगे भी उन्होंने कहा है कि और भी पोस्ट करेंगे, इससे जो है जहांगीराबाद कस्बे की और 4-54 हम सुरक्षा व्यवस्था कर सकेंगे। एमएलसी अजय प्रताप व पूर्व सांसद शैलेंद्र सरोज संपादक मनोज सेंगर की मौत के बाद उनके पैतृक गांव फुमाखी पहुंचकर पत्नी व बच्चों से मुलाकात कर उनको ढांढस बंधाया गया।